बिहार की जो स्थिति है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए तो बिहार वहीं का वहीं है। ये इसके पीछे क्या राज है सर? मतलब बिहार आगे बढ़ता ही नहीं, ऐसा कैसे? देखिए, ऐसा हुआ क्या है कि इसको मैं साफ तौर से मैं कह सकता हूं आपके चैनल पे बैठ के कि ये पूरी तरह से एक क्लियरिटी के साथ एक करप्शन किया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई कि 2005 के बाद जब हम आए तो बिहार बहुत अच्छे हालात में हुए, लेकिन आप हंगर इंडेक्स को देख लीजिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, तो पता चलता है कि बिहार वही का वही है। और 125,000 करोड़ रुपए जो मोदी जो पिछले बार जो दे के गए थे, 10 साल पहले एक पैकेज दिया था उन्होंने 125,000 करोड़ का, उस पैकेज के बाद अभी जिसको विशेष पैकेज बता के बिहार को दिया गया 56,000 करोड़ का, उसके बाद भी पता चलता है कि मजदूर का पलायन नहीं रुका। बिहार अभी भी भूखमरी में 90 लाख लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, हंगर इंडेक्स में हम सबसे निचले पायदान पे आते हैं। ये सब के बाद भी अगर हम पीठ कहीं ना कहीं अगर पीठ थपथपाते हैं तो बिहार प्रदेश की जनता के साथ हम धोखा करते हैं। और इस तरह जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार पुल और पुलिया गिर रहे हैं बिहार प्रदेश में, जिस तरह से हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत हो गई है कि बरसात में किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ वो ठीक है, लेकिन बिहार में ब्रिज के नीचे मत खड़े हो। तो ये नीतीश कुमार के सुशासन के राज्य में एक जीता जागता करप्शन का एक जो है नमूना।